स्क्वायर रूट ऑफ 1025 बाय लॉन्ग डिविजन मेथड कैसे फाइंड करें अभी हम सीखेंगे। दो डिजिट को साथ लो मार्क कर दो, फिर आगे बढ़ो, दो डिजिट को साथ लो मार्क कर दो। यहाँ पे आपका कितना आ गया 10। इस 10 के आधार पर हमें एक ऐसे नंबर को सेलेक्ट करना है जिसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो आपका वैल्यू आ रहा है ये लेस देन 10 रहना चाहिए या इक्वल टू 10। तो 3 × 3 क्या 9 आ रहा है, देखिए 10 से कम है, ठीक है, यानी 3 × 3 को ले लिया। आगे जिसे हम 4 × 4 करें कितना आ रहा है 16, ग्रेटर देन 10 है तो हमें ग्रेटर देन वाला नहीं लेना है, इससे पहले वाली संख्या को लेना है। तो यहाँ पे 3 × 3 कितना 9 आ गया, इसको एक बार यहाँ लिख देना है, उसके बाद इनको एड करना है, इसको माइनस करना है, और जो आपका अगला ग्रुप है इसको हम यहाँ लेकर आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यह जो 6 है, 6 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लें उसका मल्टीप्लाई करें, या तो 125 यानी 125 मिलना चाहिए या 125 से कम मिलना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, इसके साथ हम 2 लेते हैं, 2 का गुणा करते हैं कितना आ गया 124 आ गया। देखिए 25 के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए, किसको लिया हमने अपना 2 को लिया। उसके बाद आगे क्या करते हैं, देखिए आप जानते हैं क्या जानते हैं कि इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.00 ऐसे लिखा जा सकता है, 2 2 2 को एक साथ ले लो। उसके बाद क्या करते हैं यह जो पॉइंट है इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। देखिए किसी संख्या के साथ यदि 0.00 ऐसे लिखें तो उस संख्या में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो जो वह संख्या यह संख्या वही रहेगी जो वास्तव में है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 लिखते हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये आप जानते होंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको इस प्रकार से एडजस्ट कर दिया। वैसे स्टार्टिंग में आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपको 2 डिजिट को साथ लेके चलना है, ठीक। अब उसके बाद वही स्टेप रिपीट करना है, प्लस माइनस, तो इसको हमने प्लस कर दिया 64 आ गया, इसको माइनस किया 1 आ गया, ये पॉइंट हम यहाँ शिफ्ट कर चुके हैं। तो इसके बाद जो अगले 00 इनको हम यहाँ लेके आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर हम लाएँ तो 2 डिजिट को लेके आए, यानी इसमें आपका क्या चल रहा है, सारा प्रोसेस 2 डिजिट के ग्रुप में चल रहा है, 2 डिजिट को साथ लेके चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए यहाँ पे यदि इसके साथ हम 1 लेते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपका कितना आ गया, बहुत बड़ा नंबर आ गया जो आपका ग्रेटर देन 100 है, तो ग्रेटर देन वाला तो हमने ले नहीं सकते हैं। फिर ऐसी कंडीशन में किसको लिया जाता है, 0 को, और मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 0, यहाँ क्या आ गया 0, उसके बाद माइनस किया 100 आ गया। माइनस करते ही जो संख्या आएगी इसके साथ अगले अपने 00 ले आने, फिर इनको ऐड करना है। अब इसके साथ ऐसे कौन सी संख्या लें उसका मल्टीप्लाई करें कि आपका क्या मिलना चाहिए, हमें यह नंबर मिलना चाहिए, उसको हम यहाँ लिख देंगे, और इस प्रकार से ये आपका वैल्यू आ जाता है कितना आ गया 32.0, और आगे यहाँ आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए मैं एक फाइंड करके दे देता हूँ ना, चलिए यहाँ पर हम जैसे ये कितना है आपका 10,000 है, और यहाँ पर जैसे हम इसके साथ 2 लेते हैं, 2 का गुणा करेंगे तो भी आपका इससे बड़ा आ जाएगा, फिर हम किसको लेते हैं 1 को लेते हैं, 1 का गुणा करते हैं, तो यहाँ कितना आ गया 6,401 आ गया। किसको लिया हमने दोस्तों, 1 को लिया, तो 1 को यहाँ लिख दो। जैसे हम 2 लें, 2 का गुणा करें, मैं दिखाना चाहूँगा 4 0 8 12, ये कितना आ गया 12,000, देखिए ये कितना है इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 ये आपका क्या आ गया 10,000 से बड़ा आ गया, ठीक है। 10K हज़ार को कैसे भी लिखते हैं, ओके शॉर्टकट में, ठीक है, तो जो बड़ा आ गया उसको तो नहीं लेना होता है, किसको लेने से बड़ा आ रहा है 2 को लेने से आ रहा है, तो इससे पहले वाली संख्या को चेक करें, जब 1 का चेक किया तो आपका इससे छोटा आ गया, तो हमने अपना 1 को ले लिया, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं, चैनल सब्सक्राइब करें, आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों जल्दी हम फिर मिलते हैं।